आर्य और आरी आपको मिल तो गए, बट थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर हम इसी जगह ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक ये बोलता है कि हमें अगर रिएक्शन फोर्स निकालना है, पहले हम लिख लेते हैं नेट मोमेंट ले लो, कितना ले लो, नेट मोमेंट ले लो। ओके, तो कितना आएगा नेट मोमेंट, इसकी बात करेंगे। इसके बाद स्पैन कर दो, नेट मोमेंट अपॉन स्पैन कर दो, नेट मोमेंट लिख लो और क्या कर दो, स्पैन कर दो, तो आपको मस्त तरीके का फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या ले लो नेट मोमेंट, नेट मोमेंट हम कर दिए, नेट मोमेंट अपॉन स्पैन, ये हमें रिएक्शन फोर्स दे देगा। ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स हमें दे देगा। तो आइए हम लगाते हैं, अब आरे हम बात करेंगे आरे की, आरे है ना, ओके, टू डब्ल्यू और आपका देखो डब्ल्यू इंटू टू टू 5L हो जाएगा, 5L, डब्ल्यू इंटू 5L प्लस 2W, 2 to 3L और फिर माइनस W और ये पॉइंट L हो जाएगा अपॉन स्पैन। टोटल कितना है, स्पैन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट 1, 2, 4, 6L, 6L है क्या। अब यहां से फाइंड आउट करो कितना आ जाएगा, 2, 3, 6 और 6 और 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 6, 5, 11 हो जाएगा ना, वेरी गुड, 11 में माइनस 1 हो गया 10, 10 ये हो जाएगा 10 WL अपॉन 6L, तो ये कितना हो जाएगा 5W/3। तो आपने देखा आरे हमारा 5W/3 आया था, यहां भी आ गया, लेकिन कितने जल्दी आ गया, हम फालतू तामझाम में नहीं करना पड़ा। और जब ये इतना आ गया तो आरे प्लस आरे आपको पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, देखो हम सब फालतू लिख रहे हैं, ये तो आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज इसको आप ओरली कर सकते हो। आरे प्लस आरी कितना आया था, आरे प्लस आरी आपने पता है कि ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, 2W, 2W है ना बस। अब यहां से आप आरी निकालोगे तो आपको आरी पता है कि 2W में 5W/3 चला जाएगा, तो 6W/3 आ जाएगा, W/3 आंसर आपको मिल जाएगा।